दोस्तों सन 2013-14 की बात की जाए, देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 18 लाख एप्लीकेशन आते थे। अगर देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात की जाए, जब बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे सन 2013-14 के अंदर, ऑलमोस्ट 18 लाख बच्चे अपना दाखिला दायर करते थे जेईई मेन जैसे एग्जाम के लिए। लगातार अगर बात की जाए सन 2018 तक ये एप्लीकेशन आते आते 12 लाख हो चुके हैं। अगर बात करें अभी के आंकड़ों की सन 2022 के अंदर जेईई मेन के अंदर हुए दाखिलों की अगर बात की जाए, देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए सिर्फ 7 से 8 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो बहुत बार देश के अंदर रहते भी नहीं है, अदर फॉरन निकल जाते हैं या फिर अदर कोर्सेज करते हैं। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों की अगर बात की जाए, बच्चों का रुझान लगातार घटता जा रहा है, बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय लगातार बंद होते जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। इंजीनियरिंग फील्ड की अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार आता जा रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बंद होता जा रहा है, बहुत सारे विश्वविद्यालय पिछले कुछ सालों के अंदर बंद कर दिए गए, क्लोज कर दिए गए, क्योंकि स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं, बच्चों का इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, स्टूडेंट लगातार अदर अदर कोर्सेज के अंदर जाते जा रहे हैं। लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए, कुछ फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, कुछ फील्ड के अंदर जो है स्टूडेंट्स अपने आप को जो है डाइवर्स करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स की बात की जाए, इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर जो है आउटडेटेड करिकुलम कराया जा रहा है, स्टूडेंट को कोई भी एक्टिविटीज नहीं कराई जा रही है, बेटा के सिर्फ और सिर्फ थोड़ी रिजोल्यूशन दिया जाता है प्रोफेसर के द्वारा। बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेज है जहाँ पे बच्चे जो है कभी प्रोजेक्टर का नाम तक नहीं सुनते हैं। देश के अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों की अगर बात की जाए, बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर अभी तक प्रोफेसर को पता भी नहीं है कि प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, ऐसे बहुत सारे मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, 2022 सेशन के अंदर बहुत सारे कॉलेजों में प्लेसमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में तो कंपनियों ने अपनी फ्रिजिंग ही रखी है। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में किसी भी बड़ी कंपनी ने विजिट ही नहीं किया ड्यू टू मार्केट रिसेशन। अगर अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए, देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर बच्चों को एवरेज CTC 10 LPA का मिल रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे कॉलेजों के अंदर RBI की एक गाइडलाइन की अगर बात की जाए, कोविड महामारी के बाद में बहुत सारे 93% स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट का लोन का सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे, इंजीनियरिंग कॉलेजों के हालात बढ़ते जा रहे हैं। देश की अगर बात की जाए, डिजिटल इकोनॉमी $3 trillion की लगातार होती जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग करियर को स्विच करके YouTube, डिजिटल मार्केटिंग एंड फाइनेंस की ओर लगातार ले जाते हुए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर कुछ जॉब्स की अगर बात की जाए, ब्लॉग्स, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉगिंग एंड मेनी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कंपनियों ने खत्म कर दी एकदम। अगर बात की जाए वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग एंड मेनी स्पीकिंग जॉब्स लगातार खत्म होती जा रही है, जो कि लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जॉब्स किल की है बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने। इसके कारण स्टूडेंट को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में एंड इंजीनियरिंग कॉलेजों में। अगर 2022 के आंकड़े आपको बताएं, जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए हर साल IIT बॉम्बे 2.5 लाख बच्चों को लेता है। इसके साथ ही 2022 की अगर बात की जाए, ओनली फॉर 1,50,000 बच्चों ने IIT जेईई एग्जामिनेशन के लिए जेईई एडवांस के लिए दाखिले के लिए अप्लाई किया था। हालांकि रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, सन 2020 तक सिर्फ 8 लाख बच्चों ने जेईई मेन जैसे एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों के अंदर स्टूडेंट को जब इंजीनियरिंग का इतना पता भी नहीं हुआ करता था, तब 16 से लेकर 18 लाख बच्चे अप्लाई करते थे। अभी बहुत सारी अवेयरनेस के कारण स्टूडेंट अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे कोर्सेज या फिर यूट्यूब क्रिएटर जैसे कोर्सेज अपना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होने के बाद भी इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज बीच में आके छोड़ देते हैं। लेक ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही प्लेसमेंट जैसा भी माहौल बहुत सारे बच्चों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कोर्सेज की, ऐसे भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज है जो ऐसा कोर्सेज कराते हैं जिसका आई थिंक इंडस्ट्री से कोई भी कोलेबरेशन नहीं है। जब स्टूडेंट कॉलेजेस से कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में जाते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग के अंदर अदर ही कोर्सेज कराया जाता है। आखिरकार स्टूडेंट को परेशानी ये आती है कि जब हमको ये कोर्सेज
कार्रवाई फिर से जा रहे हैं, तो हमारे इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज का फायदा क्या निकला? इसके कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों का रुझान, स्टूडेंट का भी रुझान कॉलेजों में घटता जा रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट की संख्या लगातार इंजीनियरिंग कॉलेजों में कम होती जा रही है। साथ में बहुत सारे निजी कॉलेजेस बंद भी होते जा रहे हैं, इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट अभी बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं। अगर बात की जाए इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजों से इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे, एक रिपोर्ट की अगर अपन बात करें तो ओनली फॉर 94% स्टूडेंट केपेबल ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है। बहुत सारे लल्लू लाल कॉलेजों की अगर आज मैं बात करूँ, स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर उनको धीरे धीरे पढ़ाता है, क्योंकि स्टूडेंट का अटेंशन ही है। अगर बात करें इंजीनियरिंग कॉलेजों की एंड अटेंशन व्यूअरशिप की, लगातार पीपुल जो है ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है। अगर मैं एक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की स्टडी की अगर बात करूं, तो अगर आपको विजुलाइज करना है देन डेफिनेटली आप जो है 3 सेकंड से ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकते। अगर आप बहुत ज्यादा योगा करते हैं देन डेफिनेटली आपका अटेंशन सिर्फ 7 सेकंड रहता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल व्यक्ति है देन आपका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड रह चुका है। जब अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे कंटेंट के लिए आप सिर्फ 3 सेकंड अटेंशन नहीं दे सकते, तो प्रोफेसर का जो बोरिंग कंटेंट होता है क्या आप 1 घंटे वहां पे ध्यान दे सकते हैं? डेफिनेटली नहीं दे सकते। इसी के कारण आज देश के 94% युवा बेरोजगार है, उनके पास स्किल नहीं है, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेस करने के बाद उनके जॉब्स नहीं है। इसी के कारण युवा लगातार अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, क्रिएटर एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार शिफ्ट करते जा रहे हैं। इसका यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर दाखिले लगातार कम होते जा रहे हैं, जो कि हो सकता है जल्दी और भी कम हो जाए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ऑप्शन निकल के आ रहा है देश के युवाओं के पास, वो है स्टार्टअप कल्चर। देश के अंदर अगर बात करें 2014 के अंदर सिर्फ 400 से 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज देश ने 95,000 स्टार्टअप्स का आंकड़ा पूरा कर दिया है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म निकल करके आए हैं जो कि आपको बीटेक की जैसी डिग्री देते हैं। आप स्टार्टअप पे काम करते करते अपनी ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, चाहे वो अमेजोन में काम कर रहा हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हो, चाहे वो गूगल में काम कर रहा हो, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो है आपको पढ़ाते हैं, आपको लर्निंग देते हैं, आपकी केस स्टडी बनाते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको पढ़ाते हैं। इसके कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन कॉलेजों से हटते जा रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ा पहलू है। आपको क्या लगता है, ऐसी चैट जीपीटी जैसा ऑप्शन आने के बाद भी क्या आपको ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर आप लल्लू लाल प्रोफेसर्स के बाद फिर से भी पढ़ने जा सकते हैं? हालांकि अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों को आगे बढ़ाना है तो पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा। देश के बच्चों को, यूथ को अगर बात की जाए तो उनका अटेंशन रेशियो लगातार घटता जा रहा है। अगर उनको 3 से 4 सेकंड तक कोई चीज अगर अच्छी नहीं लगती है देन उनका दिमाग डाइवर्स हो जाता है। अगर मेटावर्स की एक स्टडी की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया सिर्फ 3 सेकंड लोगों का अटेंशन हो चुका, इसलिए प्रोफेसर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो जो है नॉलेज को यूटिलाइज कर सके और ज्यादा से ज्यादा याद रख सके। थैंक यू सो मच।